हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शुक्ला आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। चलिए इस वीडियो को आगे एक्सटेंड करने से पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। डे वन सबसे पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, अबाउट देयर मीनिंग्स, क्या उनकी ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। डे टू पर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा, कैसे उसका क्या परफॉर्मा होता है, क्या मीनिंग होती है। तो आज डे थ्री पे अपने इस वीडियो में आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ही कैलकुलेशन के बारे में ही जानेंगे, कैसे पार्टनर्स कैपिटल और ये सारी चीजें प्रिपेयर की जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप डीके गोयल ऐप इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि इस क्वारंटीन में आप बुक्स एंड ऑल परचेज नहीं कर पाए होंगे। सो इट्स क्वाइट इजी फॉर अस कि हम उस ऐप के जरिए से आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप अपने इस टाइम को भी वेल यूटिलाइज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन फिफ्थ देखिए आप अपने ऐप पर। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्वेश्चन में यह बताया गया है ए एंड बी जिन्होंने 60,000 और 20,000 कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं ऑन 1st अप्रैल और उनको 6% इंटरेस्ट देना है, एज वेल एज बी को सैलरी मिल रही है। इट मींस बी क्या हमारे लिए वर्किंग पार्टनर हो गया। वर्किंग पार्टनर को हम लोग सैलरी, कमीशन, बोनस एंड ऑल बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही उनको भी वहां प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा क्वेश्चन में देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया गया है एज वेल एज ड्रॉइंग्स बी की पार्टनर है। ड्रॉइंग्स का मतलब आप सभी अवेयर होंगे, ड्रॉइंग्स होती है जो भी हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं। उसके अलावा देखें तो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब मेंशन नहीं होता तो हम क्या अज्यूम करते हैं, ये इक्वल पार्टनर्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बनाना क्या क्या है, प्रिपेयर क्या क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, आपको पता है। क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं, जैसे हमने कल प्रोफार्मा में भी बताया था कि क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट से। जो भी प्रॉफिट होता है सबसे पहले हम लोग उसको क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं, जितना भी हमारे पास में होता है 24,000। इट मींस ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के बाद में आया है। ठीक है, इट डजंट मीन दैट इट इज आर डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये मेन प्रॉफिट है हमारे पास में। उसके बाद में क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है, क्वेश्चन में 6% बताया गया है, 60,000 ए की कैपिटल है तो इट मींस 60,000 का 6% हम लोग यहां प्रोवाइड करेंगे, 20,000 का 6% बी को देंगे। ठीक है, ये इनकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4,800, लेकिन इंडिविजुअली देखें तो 3,600 and 1,200। गॉट इट। सेकंड केस में हम बात करेंगे अगर तो सैलरी दी जा रही है बी को पर एनएम 6,000 पर एनएम। ठीक है, पर एनएम मीन्स क्या होती है, पूरे साल भर की है। ठीक है, फ्रॉम 1st अप्रैल to 31st मार्च 6,000 इनको दी गई तो 6,000 हम लोग यहां पर मेंशन कर देंगे। फिर क्वेश्चन में दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी उनको दी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यानी फर्म से उनके पास में जा रही है, सो दैट्स व्हाई इसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, ये सारी चीजें इनको मिल रही है तो ये डेबिट साइड में आ रही है 200 and 100, ये आपका हो जाएगा 300। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग के केस में क्या होता है कि इधर का टोटल किया हम लोगों ने 24,300 जैसे कि आप देखेंगे और फिर इस साइड के टोटल को लेस कर देंगे 10,800, कितना बचा 13,500। 13,500 का मतलब क्या हो गया, इट इज आर डिविजिबल प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, और आप बिटवीन द पार्टनर्स भी कह सकते हैं क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं हमारे पास में यहां पर, लेकिन रेशियो मेंशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे 13,500 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी उसका 1/2 कर देंगे, क्योंकि दो पार्टनर तीन होते तो 1/3, फोर पार्टनर्स होते तो 1/4 हो जाता है इक्वल के केस में। ठीक है, इससे क्या हुआ हमारे पास में ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले वाली वीडियो में, फर्स्ट डे वीडियो में मैंने फ्लोटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के बारे में बात की थी। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर कैपिटल फिक्स नेचर की होती है, सो दैट्स व्हाई दो अकाउंट वहां पर बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारी चीजें हमारी कहां रिकॉर्ड होती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। लेकिन जब हम फ्लोटिंग होती है, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे नेम से साउंड कर रहा है फ्लोटिंग, फ्लक्चुएटिंग, वो चेंज हो रही है हमारे पास में, सो दैट्स व्हाई वहां पर जो कैपिटल अकाउंट बनता है वो सिर्फ एक ही बनता है, वहां पर जितने भी चेंजेस होते हैं सारी चीजें होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर फिक्स कैपिटल है तो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिक्स कैपिटल के बेसिस पर, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो कैपिटल किस नेचर की तो हम अज्यूम करते हैं कि वो फ्लक्चुएटिंग है, तो यहां पर हम जो कैपिटल प्रिपेयर करेंगे वो कौन से प्रिपेयर करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल प्रिपेयर करेंगे। तो आइए फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल का।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज ये जरूर याद रखिएगा कितने पार्टनर्स हैं, क्योंकि जितने पार्टनर्स होते हैं उसी के बेसिस पर अमाउंट के कॉलम्स बनते हैं। ये आपके ए बी, ये ए बी, ये आपका पार्टिकुलर एंड दिस वन पार्टिकुलर। ये थ्री साइड्स डेबिट साइड्स हैं, ये थ्री साइड्स क्रेडिट साइड्स हैं, ठीक है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस को रिवाइंड करिए, एक बार सोचिए क्वेश्चन में कहां से स्टार्टिंग थी। क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी कैपिटल से, कितनी कैपिटल उन्होंने लगाई है। तो हम कैपिटल्स को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि कैपिटल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज होती है, डेट्स ऑफ। लेकिन ऐसे हम बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, लेकिन यहां पर हम बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, क्योंकि यहां पर इन्होंने शुरुआत की है। अगर बिजनेस कैरी ऑन होता रहता, चला आ रहा हमारे पास में, तो हम बैलेंस फॉरवर्ड करते हैं, बट यहां बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी